Hey guys, welcome, 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 welcome. Good morning, good morning, good morning to an academy guys. Good morning. आज झमाझम सेशन लेने वाले हैं हम. फुल कोर्स और मेजरमेंट आप लोगों के लिए चल रहा है, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज है. सरप्राइज, इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स, इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर आईएन स्टूडेंट्स. इस सरप्राइज का फायदा बेटा ईसी इलेक्ट्रिकल वाले भी ले सकते हैं. जल्दी 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 सेशन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी लाइक ठोक दो, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से आ जाओ बेटा. गुड मॉर्निंग एवरीबडी दोज़ हू आर लाइव. जल्दी जल्दी जल्दी. तो इंस्ट्रूमेंटेशन की पीवाईक्यू सीरीज आने वाली है, जैसा कि मैंने आपको कहा था थर्सडे को आने वाला है. इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पीवाईक्यू सीरीज आने वाला है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पीवाईक्यू सीरीज आने वाला है, दैट इज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आईएन के लिए स्पेसिफिकली. और सब्जेक्ट जो आने वाला है, सब्जेक्ट जो आने वाला बेटा वो है सिग्नल सिस्टम. पहले आएगा सिग्नल, उसके बाद आएगा कंट्रोल. ऐसे करते करते मैं आपको सारे आईएन के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं ईसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, देखो ईसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बता दूं सबसे अच्छा फायदा क्या है. इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना, अगर आप आईएन के कॉमन सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपका आधा काम तो गेट का वैसे ही हो जाता है. अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कॉमन सब्जेक्ट है आपके सिग्नल कंट्रोल नेटवर्क डिजिटल इंजीनियरिंग मैथ्स EMFT, अगर आप कॉमन सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा लेते हो तो गेट लाइकली क्वेश्चन आप लास्ट 20 इयर्स के लगा ही रहे हो. तो लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ बेटा, रात को 11 से 12 रात को आ जाना, सारी काली शक्तियों के साथ आ जाना, मिर्ची नमक आलू जो भी लेके आना आ जाना. 11 से 12 हम पढ़ेंगे रात को, 11 से 12 हम पढ़ेंगे रात को अपने फेवरेट क्रिएटरेक्स यूट्यूब चैनल पर बेटा, अपने फेवरेट क्रिएटरेक्स यूट्यूब चैनल पर. पीवाई की सीरीज में लेके आने वाला हूँ आईएन के लिए, स्पेसिफिकली आईएन वाले बच्चों के लिए रात को 11 से 12. तो पहला सब्जेक्ट जो मैं स्टार्ट करूंगा वो सिग्नल, उसके बाद कंट्रोल. तो हर 7 या 8 दिन में हम एक सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, हर 6 या 7 दिन में हम एक सब्जेक्ट खत्म कर देंगे. ऐसे करते करते हम नवंबर के एंड तक या मिड दिसंबर तक सारे पीवाईक्यू इंस्ट्रूमेंटेशन के लाइव चलाएंगे, सारे पीवाईक्यू इंस्ट्रूमेंटेशन के लाइव चलाने वाले हैं, ठीक है. तो आप लोग आना मत भूलना 11 से 12 रात को. और आना कब है आपको? थर्सडे को. आना कब है बेटा? थर्सडे को. आना कब है? थर्सडे को. थर्सडे इज द टाइम. टुमारो 11 to 12 इन द नाइट. टुमारो 11 to 12 इन द नाइट. या गुड मॉर्निंग एवरीबडी, संदीप, सद्दाम, अमित, कार्तिक, सुमित, मौर्य, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबडी. अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जो क्रिएट्रिक्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्रिएट्रिक्स का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पे जाइए, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है ना. चलिए, वेलकम टू एवरीबडी दोज़ हु आर जस्ट हॉपिंग इन. ओके, चलिए, लेट्स कम टू द टॉपिक. टुडेज़ टॉपिक इज, जल्दी जल्दी यार सेशन को लाइक कर दो. जितने भी लोग लाइव हो ना, अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर करो कि पीवाईक्यू आईएन का आने वाला है. तो जितने भी दोस्त आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कहते हैं आईएन वालों के लिए कुछ नहीं है, आईएन वालों के लिए कुछ नहीं है, आईएन वालों के लिए कुछ नहीं, उनको जरूर बता देना कि प्रमीज सर ने जो हेल्प कर रहे हैं. तो ये सेशन तो आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी के लिए है ही, ये सेशन तो आपका मेरे इलेक्ट्रिकल के बच्चे, ईसी के बच्चे और आईएन वाले बच्चों के लिए है ही. टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डायनेमोमीटर टाइप, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं डायनेमोमीटर टाइप, दैट इज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता था पीएमएमसी जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं डायनेमोमीटर बच्चों, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं डायनेमोमीटर. और मैंने आपको बोला था पीएमएमसी सिर्फ डीसी मेजर करता है और डायनेमोमीटर आपका डीसी एंड एसी दोनों मेजर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट. निकुंज गुड मॉर्निंग, सतीश, दिव्या, राज, राहुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबडी दोज़ हू आर लाइव. या सो हाउ इज द एनर्जी, एनर्जी कैसी है आज? टुडे इज वेडनेसडे, वेडनेसडे है और नवरात्रि भी आने वाले हैं आप लोगों को मालूम है, 2-3 दिन बाद नवरात्रि आने वाले हैं. जल्दी बताओ एनर्जी कैसी है आप लोगों की. गुड मॉर्निंग शिवराम, रूही, कुमारी, जल्दी जल्दी यार इस सेशन को शेयर करो. वी वॉन्ट 60 लाइव लर्नर्स टूडे, वी वॉन्ट लाइव लर्नर्स टू इंक्रीज ऑन यूट्यूब सेशन. आज हम पढ़ने वाले हैं डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पार्ट. जल्दी जल्दी जल्दी, मूविंग कॉइल का मतलब यहाँ पे दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, वन है पीएमएमसी, दूसरा है डायनेमोमीटर. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. कल हमने बात करी थी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा एक रिविजन बता देता हूँ, कंक्लूजन बता देता हूँ. देखो प्रीवियस सेशन के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. डीसी के लिए मैंने बात करी थी आपके लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्या था, कल मैंने आपसे बात करी थी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए. तो मैंने आपको कहा था दैट इज गिवन बाय I1 I2 dm by d theta, और मैंने आपको बोला था कि I1 I2 इंस्टेंटेनियस वैल्यू है,
तो आप डीसी के लिए लेना चाहो तो इसको आई वन आई टू कॉन्स्टेंट ले लो, और एसी के लिए लेना चाहो तो इंस्टेंटेनियस ले लेना। मैंने बोला था नहीं बोला था, तो डीसी के लिए मैंने आप लोगों को बोला था फॉर डीसी दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय आई वन आई टू डी एम बाय डी थीटा, ओके, एंड दिस कंट्रोलिंग टॉर्क इज गिवन बाय के थीटा। सो टी डी इज इक्वल टू टी सी, एवरीबडी नोज दिस। ये कल का बात है बेटा, कल बताया था मैंने, तो मैं आज आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लेके आया हूँ। सो के थीटा कितना हो गया, I1, I2, dm by d theta. So the deflection is proportional to what? I1, I2 by theta, dm by d theta. और मैंने आपसे कहा था कि अगर I1, I2 बराबर है तो I squared लिख लेना। अगर I1, I2 बराबर है तो I squared लिख लेना। इसी तरीके से मैंने आपको AC के लिए कहा था, अगर AC हो और I1, I2 instantaneous है और कोई phase angle है, तो मैंने कहा था deflecting torque को ऐसे लिख लेना, I RMS 1, I RMS 2, cos phi dm by d theta, बोला था नहीं बोला था। और मैंने आपसे कहा था अगर फेज एंगल जीरो हो तो cos phi को जीरो, cos phi को यूनिटी मान लेना, क्योंकि phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये कल मैंने आपको बात बताई थी। और मैंने आपसे कहा था अगर phi जीरो है, इस केस में मैंने आपसे कहा था phi जीरो है तो cos phi वन हो जाएगा और I1 और I2 आपके बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों RMS वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी, RMS 1 equal to I RMS 2। तो मैंने आपसे कहा था आप इसको लिख सकते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू I स्क्वायर cos phi, तो cos phi तो आपका यूनिटी हो गया बेटा, and that is dm by d theta and this deflecting torque is equal to k theta, so this theta will be come out to be I square by k dm by d theta। I क्या है यहाँ पर, RMS value। तो ये तो AC के लिए था अगर आपको याद हो तो, और ये DC के लिए मैंने आपको बताया था, इतना मैंने कल आपको बात बता दिया था। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग। या आई एम राइटिंग k इन द डिनोमिनेटर, डोंट वरी, या आई एम राइटिंग, हो जाता है यार उसमें क्या है, हो जाता है उसमें क्या, ठीक है। आई एम राइटिंग के इन द डिनोमिनेटर, ओके। जयंती गुड मॉर्निंग, जयंती गुड मॉर्निंग, दिव्या, दिव्या इज सेइंग एनर्जी इज हाई सर, ओके। सो लेट्स मूव टू द डायनेमोमीटर टाइप एमीटर एंड डायनेमोमीटर टाइप वोल्टमीटर। एग्जाम में जो आपके गेट में न्यूमेरिकल आएगा, गेट में जो न्यूमेरिकल आएगा वो बेटा आएगा आपका डायनेमोमीटर वाटमीटर पे, वो हम पढ़ेंगे। जो गेट में न्यूमेरिकल आएगा वो आएगा डायनेमोमीटर वाटमीटर पर, डायनेमोमीटर एमीटर वोल्टमीटर पे न्यूमेरिकल नहीं आता है गेट में जनरली, क्योंकि मूविंग आयरन एमीटर आ जाता है, मूविंग आयरन वोल्टमीटर आ जाता है, रेक्टिफायर आ जाता है, तो डायनेमोमीटर पे एमीटर वोल्टमीटर पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, वाटमीटर पे आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे मूविंग आयरन के बाद। चलिए, तो लेट्स कम टू द टॉपिक इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर एमीटर, जस्ट कम टू द टॉपिक वाइज इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर एमीटर। जल्दी जल्दी यार इस चैनल को शेयर करो, वी वॉन्ट लाइव लर्नर्स टू इंक्रीज। देखो क्रिएटर्स की पूरी टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, और देखो यहाँ पे 27 बच्चा लाइव है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल चैनल पर एनर्जी तो दिख रही है लेकिन बच्चा बहुत कम है, तो इस बच्चे को इंक्रीज करो यार, इसको शेयर करो। 27 बच्चा है, प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं यार, थोड़ा तो वो करो, मतलब कम से कम लाइव लर्नर्स तो इंक्रीज करो। मेजरमेंट का कंटेंट कोई नहीं दे रहा है आपको यूट्यूब पे, पूरा फ्री, नोट्स के साथ में, न्यूमेरिकल के साथ में, लास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ में, इसको जल्दी जल्दी शेयर करो यार, वी वांट लाइव लर्नर्स टू इंक्रीज ऑन दिस चैनल। इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर एमिटर की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर एमिटर की, अब देखना बात समझना। तो एमिटर की बात कर रहा हूँ, तो आपने सुना होगा एमिटर में शंट लगा देते हैं। मीटर कॉइल क्या है, ये फिक्स कॉइल, ये एफ और एफ सी क्या है, ये तो फिक्स कॉइल है, आप ये दोनों क्या है बेटा, फिक्स कॉइल, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ये आपका मूविंग कॉइल एम सी। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा आपको देखो पीएमएमसी में क्या होता था, ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल होता था, सबको पता है पीएमएमसी में नॉर्थ और साउथ पोल होता था, और यहाँ पर एक मैप मूविंग कॉइल था जो घूम रहा था, इसी को मैं मीटर का रेजिस्टेंस बोलता था, और इसी मीटर के रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम शंट लगा देते थे। तो अभी मूविंग कॉइल कौन है, ये एमसी वाला पार्ट, इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे, शंट, इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे, शंट। तो ये तो पीएमएमसी के केस में था, आपको पता है ये मूविंग कॉइल होता था वहां पर, और ये फ्लक्स लाइन होती थी। एमीटर डायनेमोमीटर के टाइप में क्या है, मैग्नेट की जगह तो ये दो फिक्स कॉइल है, इसके बीच में मूविंग कॉइल है, और आई वन आई टू अब चेंज हो गया है, आई वन आई टू चेंज हो गया और मैंने लोड लगा दिया, तो मैंने एक शंट लगा दिया, एक शंट लगा दिया पैरेलल में, क्योंकि मूविंग कॉइल जो है 100 या 200 मिलीएम्पियर से ज्यादा का करंट सहन नहीं कर सकता है, तो मैंने यहाँ लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि सारा करंट यहाँ से पास हो जाए, ठीक है। सो कनेक्ट द लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद द मूविंग कॉइल, ये शंट की वैल्यू क्या है, लो है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, इसका कोई काम नहीं है, सॉरी। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, कनेक्ट लो रेजिस्टेंस शंट, कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस शंट
in parallel with the moving coil. In parallel with the moving coil. ठीक है, तो ये मैंने लो रेजिस्टेंस शंट लगा दिया. तो क्या बोला मैंने, ये मूविंग कॉइल की करंट जो है वो लिमिटेड होती है 100 मिली एम्पीयर या 200 मिली एम्पीयर तक. तो अगर मैं इस करंट को नहीं चाहता कि 100 मिली एम्पीयर से ज्यादा करंट मूविंग कॉइल में बहे, तो मेरे को यहाँ पे शंट लगाना पड़ेगा. तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, यू कैन राइट इट लाइक दिस. प्लीज राइट डाउन गाइज एंड गर्ल्स, द करंट थ्रू मूविंग कॉइल किसका, डायनामोमीटर टाइप का. द करंट थ्रू द मूविंग कॉइल कैन नॉट एक्सीड 100 मिली एम्पीयर और यू कैन राइट 200 मिली एम्पीयर इन सम केसेस. सो फॉर हाई कैपेसिटी एमिटर्स, द मूविंग कॉइल इज शंटेड बाय अ लो रेजिस्टेंस. द मूविंग कॉइल इज शंटेड बाय अ लो रेजिस्टेंस. To limit the current to 100 milliampere. बात समझ में आती है? तो जब भी आप एमीटर लगा रहे हो तो आपको कॉइल जो है मीटर का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में शंट लगाना है. तो इसमें कोई नई बात है नहीं, ये आपको ऑलरेडी पता था. इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो मैंने आपको बता दी है. ठीक है, चलो. सेकेंड पॉइंट ये है कि आप इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं. अगर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वोल्टमीटर बनाना है तो आपको क्या करना है, मीटर के सीरीज में एक आपको रेजिस्टेंस लगा देना है. तो ये I1 I2 अब दोनों सीरीज में हो गए हैं. देखो ये फिक्स कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है. एवरीबडी नोज दिस, दिस इज द मूविंग कॉइल. ये दोनों क्या है आपकी, फिक्स कॉइल. ये दोनों क्या है बेटा, फिक्स कॉइल. तो यहां पर फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल दोनों सीरीज में लगा दी और मूविंग कॉइल के सीरीज में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया. तो ये सप्लाई है जिसकी वैल्यू है वी. तो यहां पर अगर आप देखें तो I1 I2 दोनों बराबर हैं, I1 I2 बराबर हैं. और ये जो टोटल आपका ये जो दे रखा है मूविंग कॉइल फिक्स कॉइल, इसका इंपेडेंस मैं जेड मान सकता हूं क्या? जेड का मतलब समझ रहे हो आप क्या है, इन तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस और तीनों कॉइल का इंडक्टेंस, दैट इज इक्वल टू जेड. एंड जेड इज द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट. टोटल सर्किट का इंपेडेंस क्या मान लिया मैंने, जेड. तो I1 I2 दोनों किसके बराबर हो गए बेटा, वी बाय जेड. जेड इज द इंपेडेंस ऑफ द एंटायर सर्किट एंड वी इज द सप्लाई वोल्टेज. और मैंने यहाँ फाई क्या मान लिया, जीरो, क्योंकि I1 I2 तो बराबर है, क्योंकि I1 I2 तो बराबर है. तो cos phi कितना हो जाएगा, unity. So the deflecting torque is given by, you know that I1 I2 dm by d theta. So this is given by, I1 is V by Z, I2 is also V by Z, because this is the case of voltmeter. So you can write the deflecting torque is equal to V square by Z square dm by d theta. Or you can write I square dm by d theta, one and the same thing. This is the deflecting torque. What is the controlling torque? The controlling torque is given by K theta. The controlling torque is given by what? K theta. So at equilibrium condition, both two are equal. So you can write like this, TD equal to TC. So V square by Z square dm by d theta is equal to K theta, guys. So theta will come out to be V square by K Z square dm by d theta. And you know that the scale is non-uniform. In emitter, it is theta proportional to I square. Here theta is proportional to V square scale. Again, non-uniform. Or you can write V is proportional to root theta. Scale is non-uniform. Scale is what? Non-uniform. This is the case of voltmeter. और मैंने क्या बोला, यहाँ पे high non-inductive resistance लगाना है. इस resistance की value ज्यादा होनी चाहिए इस moving coil और fixed coil में जितना भी resistance है उनसे. ये फिक्स कॉइल मूविंग कॉइल में जितना भी रेजिस्टेंस है उन सब से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. तो मुझे क्या करना है, मूविंग कॉइल को एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा देना है और कुछ नहीं करना है अगर मेरे को इसको वोल्टमीटर बनाना है. तो मैंने क्या बोला, प्लीज राइट डाउन, द इलेक्ट्रो डायनामोमीटर इज यूज एज अ वोल्टमीटर. अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, अगर ये नहीं, ये पॉइंट अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लेना, मतलब टाइम तो दिया था मैंने लिखने के लिए. ठीक है, हाँ, वैसे भी आप लोग पीडीएफ से लिख सकते हो अगर नहीं लिखा है तो. द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इज यूज्ड एज अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ फिक्स कॉइल
एंड मूविंग कॉइल इन सीरीज। तो अब इनके अंदर एरर क्या आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा एमीटर और वोल्टमीटर के केस में। विथ अ हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, तो उस आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए जो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल के रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, एंड दैट शुड बी प्योरली रेजिस्टिव। या अर्पित पूछ रहा है कि सर फाई क्यों जीरो हो गया। बेटा जब आई वन आई टू बराबर है तो दोनों के बीच में कोई फेज एंगल नहीं है ना, जब आई वन आई टू बराबर है तो दोनों के बीच में कोई फेज एंगल नहीं होगा ना। हाँ, दैट इज आई वन साइन ओमेगा टी एंड आई एम साइन ओमेगा टी के बीच में कोई फेज एंगल नहीं होगा ना बेटा, ठीक है अर्पित, दैट्स व्हाई फाई इज जीरो, कोई फेज एंगल नहीं है ना। हाँ, दोनों सीरीज में है ना, दोनों का फेज एंगल कैसे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर अगर वोल्टमीटर बनाना है तो आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लगा देना है किसके सीरीज में, फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल के सीरीज में। और मैं आपको बता दूं कि जो ये पीएमएमसी होते हैं उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है बशर्ते डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के, तो कभी कभार थ्योरी में ऐसा आ जाता है तो आप लिख देना दीज आर द मोस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ एसी मेजरमेंट। डीसी मेजरमेंट के लिए पीएमएमसी सबसे एक्यूरेट होता है, मोस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ एसी वोल्टमीटर, ठीक है। I am saying this is the most accurate type of AC voltmeter. DC के लिए आप क्या काम में ले लेते हैं, PMMC काम में ले लेते हैं। तो सेंसिटिविटी आपको पता है वहां के केस में 20 किलो ओम पर वोल्ट होती थी, 30 किलो ओम पर वोल्ट होती थी, यहाँ सेंसिटिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है। एंड सेंसिटिविटी इज लो इन कंपैरिजन, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर थ्योरी, इन कंपेरिजन टू डीसी इंस्ट्रूमेंट। तो डीसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब है पीएमएमसी की बात कर रहा है, ये पीएमएमसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो पीएमएमसी में जो आप सेंसिटिविटी लिखते थे तो अप्रोक्सीमेटली वो 20 किलो ओम पर वोल्ट, 10 किलो ओम पर वोल्ट, पर जब यहाँ डायनेमोमीटर में लिखेंगे सेंसिटिविटी तो ये होती है ओम पर वोल्ट में, 10 ओम पर वोल्ट, 30 ओम पर वोल्ट, दैट इज लाइक दिस। तो सेंसिटिविटी की वैल्यू यहाँ पर कम होती है एसी में, पीएमएमसी में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। ये एक्यूरेट है डीसी मेजरमेंट के लिए, This is accurate for DC measurement and dynamometer जो है AC measurement के लिए accurate readings देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप resistor, बेटा आप कैसे resistance non-inductive कैसे लगाओगे voltmeter में? अच्छा एक बात बताओ, जब ammeter में shunt लगाते थे तो resistance ही लगाते हो ना, ammeter में जब shunt लगाते हो तो resistance ही लगाते हो ना, किसके, meter के parallel में। तो voltmeter में क्या करोगे, meter के series में resistance लगा दोगे। मैं ये बोल रहा हूँ voltmeter के case में ये जो रेजिस्टेंस है, ये कॉइल का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस फिक्स कॉइल इस मूविंग कॉइल का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस से इस आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो वोल्टमीटर में तुम्हें पता ही है कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो मीटर रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, और एमीटर के केस में जो शंट रेजिस्टेंस है वो मीटर के रेजिस्टेंस से कम होता है। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ना जब मैंने आपको एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ाया था, इसमें क्या है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल अड्डा क्यों, जो भी था जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, बिना नाम वाले जो लोग हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बिना नाम वाले लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका जवाब था ये, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पर, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो देखो गेट में तो वाटमीटर से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी अपन को क्वेश्चन तो करना ही है, गेट में तो वाटमीटर से क्वेश्चन आएगा पर अपन को क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है ना। और देखो यार जो अभी अभी चैनल पे जुड़े हैं, जो अभी अभी चैनल पे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, इफ यू आर जस्ट हॉपिंग इन टू दिस क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल, आपके लिए मैं वापस बता रहा हूँ कि ये पीवाईक्यू सीरीज आने वाला है थर्सडे को, दिस थर्सडे। आज है बेटा वेडनेसडे, कल थर्सडे है, और 11 से 12 आपके लास्ट 20 ईयर जितने भी क्वेश्चन थे सिग्नल सिस्टम के, वो मैं आपको कराऊंगा लाइव। तो 5 या 6 दिन में आपका सिग्नल सिस्टम पूरा कवर हो जाएगा आईएन का, सारे लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अपन करेंगे कंट्रोल। तो आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, जस्ट टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन, डू यू लाइक दिस पीवाईक्यू और नॉट, यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस पीवाईक्यू और नॉट, जस्ट टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन। Just type in the comment section, guys. Do you want to join this PYQ or not? पता पड़े प्रमीश सर मेहनत करते जा रहे हैं और बच्चे उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यार आप लोगों के लिए, स्लाइड बनाते हैं। देखो आज मैंने कितनी सारी स्लाइड बनाई आप लोगों के लिए। हाँ, जयंती रविचंद्रन, ओके। प्लीज गाइज, दोस्तों आर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी स्टूडेंट, आप लोगों को तो बिल्कुल ये सेशन अटेंड करना चाहिए यार। अगर आप ये सेशन अटेंड करोगे तो आपको गेट लाइकली जो क्वेश्चंस हैं, बच्चे बोलते हैं कहां से प्रैक्टिस करें, सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका है कि आप अपनी ब्रांच का कॉमन सब्जेक्ट दूसरी ब्रांच के कॉमन सब्जेक्ट से कर लें, और जैसे ही आप करोगे तो आपको मजा आ जाएगा।
मटेरियल साइंस नहीं करूंगा मैं, मटेरियल साइंस आईएन में नहीं होता यार इमराज। हाँ मटेरियल साइंस आईएन में नहीं होता है। और मेरा 11 से 12 आओगे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब तुम्हें रोज अपन 20-25 क्वेश्चन कर लिया करेंगे रात को, तो तुम्हारा भी दिमाग खुल जाएगा और मेरे भी रिविजन हो जाएगा। ठीक है चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, न्यूमेरिकल्स पार्ट पे आ जाते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स पार्ट पे आ जाते हैं। आ जाओ डायनामोमीटर के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर मैं आपको एरर की बात बताता हूँ। हाँ नींबू मिर्ची रात को सारी काली शक्तियां लेके आना, काला कपड़ा नींबू मिर्ची सब लेके आना बेटा। हाँ जब भी तो आएंगे रात को तो ऐसे ही पढ़ा जाता ना ये। संदीप साहा इसको याद है मैंने क्या बोला था। हाँ तो लाल मिर्ची लेके आना, हरी मिर्ची मत लेके आना। नहीं नहीं हरी मिर्ची लेके आना, नींबू के साथ तो हरी मिर्ची चलती है ना। हाँ हरी मिर्ची लेके आना है, लाल मत लेके आना। लाल मिर्च का पाउडर लेके आना, लाल मिर्च का पाउडर लेके आना, और प्रमीश सर की आंख में नहीं डालना है लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है ना। चलो ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 25 एम्पियर इलेक्ट्रो डायनामोमीटर एमिटर चेंजेस यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 0.0035 माइक्रो हेनरी पर रेडियन एंड द टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग स्प्रिंग इज 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो टॉर्जन कांस्टेंट का मतलब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है के, करंट क्या दे रखी है बेटा 25 एम्पियर, और आपको दे रखा है dm by d theta आपको दे रखा है 0.0035 माइक्रो हेनरी पर रेडियन। ठीक है ये आपको dm by d theta दे रखा है, इसने कहा है ना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने से चेंज हो रहा है। तो आपको पता है ये एमिटर का केस है, एमिटर का केस है, तो देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, उसको थीटा को पहले से लिख ले आई स्क्वायर बाय के dm by d theta, दिस इज द केस। नाउ इट इज गिवन दैट k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर डिग्री एंड करंट इज 25 एम्पियर एंड ऑल्सो दिस dm by d theta इज गिवन बाय 0.0035 माइक्रो हेनरी, मतलब 10⁻⁶ हेनरी पर डिग्री। तो यू कैन कन्वर्ट दिस डिग्री इंटू, यू कैन कन्वर्ट दिस डिग्री इंटू रेडियन, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 0.0035 इंटू 10⁻⁶ हेनरी डिग्री बिकम्स इन रेडियन इट बिकम्स पाई बाय 180, सो इट बिकम्स हेनरी अपॉन रेडियन, इट बिकम्स हेनरी अपॉन रेडियन। तो इफ यू सॉल्व दिस विल कम आउट टू बी 0.2 इंटू 10⁻⁶ हेनरी पर रेडियन, दिस इज डीएम बाय डी थीटा। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द एंगुलर डिफ्लेक्शन फॉर फुल स्केल मींस दिस वैल्यू। सो थीटा इज गिवन बाय, सो थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई स्क्वायर बाय के डीएम बाय डी थीटा। सो आई स्क्वायर इज वॉट, दैट इज 25 एम्पियर, दैट इज स्क्वायर, वॉट इज के, दैट इज 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर डिग्री एंड दिस डीएम बाय डी थीटा इज 0.2 इंटू 10⁻⁶, तो ये तो हेनरी पर रेडियन है। इस डिग्री को ऊपर ले जाओगे, इस डिग्री को ऊपर ले जाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 125 डिग्रीज। इस डिग्री को ऊपर ले जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा 125 डिग्रीज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी हाउ टू फाइंड थीटा, 125 डिग्री इज द आंसर, 2.18 इज नॉट द आंसर, यू हैव टू फाइंड द थीटा इन डिग्री, 125 डिग्री इज द आंसर। ओके इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन इजीली सॉल्व दिस, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मुला बेस्ड, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे इसको। ठीक है चलो शैल वी मूव फर्दर गाइज। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल गाइज। अ 10 एम्पियर इलेक्ट्रो डायनामोमीटर एमिटर is controlled by a spring having a constant of 0.1 into 10⁻⁶ newton meter per degree. That means it is given, the current is what? 10 ampere. Spring constant is given 0.1 into 10⁻⁶ newton meter per degree. Also it is given, the full scale deflection is 110 degree. Yani theta kitna de rakha hai? 110 degree. Determine the inductance of the instrument when measuring a current of 10 ampere and
द म्यूचुअल इंडक्टेंस एट जीरो डिग्री डिफ्लेक्शन, मतलब जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, इज 2 माइक्रो हेनरी एंड चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज लीनियर विद द डिफ्लेक्शन. ऑलरेडी डीएम बाई डी थीटा लीनियर ही होता है, ठीक है. तो इनिशियल जब जीरो डिग्री डिफ्लेक्शन है तो एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 माइक्रो हेनरी. दैट मीन्स एम इज 2 माइक्रो हेनरी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो आपको थीटा इक्वल टू 110 डिग्री पर फाइनल इंडक्टेंस निकाल लेना है, ठीक है. चलो कैसे करेंगे बताओ. ओके. संकल्प राइट है संकल्प. इन रेडियन इट इज 2.18. ओके नो प्रॉब्लम. ओके. इन रेडियन इट इज 2.18. नो प्रॉब्लम. इट्स राइट. ओके. या आई हैव नॉट कैलकुलेटेड इन रेडियन, दैट्स व्हाई आई डोंट नो. ओके. चलो बाकी लोग भी सॉल्व करो है ना. चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा देखो. क्वेश्चन तो बहुत इजी है. आप क्या लिख लोगे, थीटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाय के डीएम बाय डी थीटा. तो आपको डीएम बाय डी थीटा यहां से निकालना है, के और आई की थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो डीएम बाय डी थीटा निकाल लो. दैट इज के थीटा अपॉन आई स्क्वायर. तो इसको हेनरी पर डिग्री में निकाल लो चाहे हेनरी पर रेडियन में, जैसा भी आपका मैंने निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. तो इसको कैसे निकालोगे, के की वैल्यू तो आपको बताइए 0.1 into 10 raised to power minus 6. थीटा कितना है, 110 डिग्री. आई स्क्वायर कितना है बेटा, 10 स्क्वायर. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हेनरी पर रेडियन में, ऑब्वियसली अगर सॉल्व करते हो तो. अगर आप पाई बाय 180 कर दोगे तो डिग्री में आ जाएगा. तो आप इसको सॉल्व कर लो. मेरे पास जो आंसर लिखा है वो लिखा है हेनरी पर डिग्री में. अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.0192 हेनरी पर डिग्री में ये आंसर आएगा. 0.0192 हेनरी पर डिग्री में ये आंसर आएगा. और आपको इनिशियल क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू 0 पे कितना दे रखा है, 2 माइक्रो हेनरी. और फाइनल फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या दे रखा है बेटा, 110 डिग्री. तो फाइनल इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, अगर आप फाइनल इंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो दैट इज इनिशियल इंडक्टेंस एट 0 डिग्री. ये क्या हो गया, इनिशियल इंडक्टेंस 0 डिग्री पर प्लस चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्लस चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी डीएम, चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज डीएम. तो ये तो 0 डिग्री पे कितना है, 2 माइक्रो हेनरी. ये चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है, ये था आपका डीएम बाय डी थीटा. चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है डीएम. तो डीएम का मतलब क्या है, 0.0192 इनटू डी थीटा, 0.0192 इनटू डी थीटा. तो उसको क्या लिखोगे, 0.0192 इनटू थीटा, बिकॉज़ डीएम बाय डी थीटा इज व्हाट, हेनरी पर डिग्री. तो अगर ये हेनरी पर डिग्री है तो आपको थीटा भी डिग्री में चाहिए, तो थीटा कितना है, 110 डिग्री. तो मुझे बताओ ये डिग्री और ये डिग्री कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये माइक्रो हेनरी में था, ये भी माइक्रो हेनरी में आएगा, ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर सॉल्व करोगे तो आएगा 2.21 माइक्रो हेनरी. ये कुछ आंसर आने वाला है इसका, 2.21 माइक्रो हेनरी इसका आंसर आएगा अगर आप सॉल्व करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट. इनिशियल का मतलब है 0 डिग्री पर, दैट इज एट 0 डिग्री. और ये किस पर निकाला मैंने, 110 डिग्री पर. तो ये चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको निकालना है, अगर हेनरी पर रेडियन में लिखो तो पर रेडियन में लिख लेना, अगर हेनरी पर डिग्री में लिख रहे हो तो ये भी डिग्री में लिख लेना. तभी तो ये कैंसिल होकर हेनरी आएगा, और इस और इसको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2.21 माइक्रो हेनरी. 2.21 माइक्रो हेनरी इज द आंसर, ठीक है. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट वेरी इजिली. और मैंने आपको बताई दिया है कि डायनेमोमीटर के क्वेश्चन गेट में जो आएंगे वो वाटमीटर से आएंगे, नॉर्मल एमीटर से नहीं आएगा. एमीटर वोल्टमीटर का क्वेश्चन आएगा बेटा रेक्टिफायर से, एमीटर वोल्टमीटर का क्वेश्चन आएगा पीएमएमसी से, और आएगा मूविंग आयरन से. इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी नहीं आएगा, वो आएगा या तो मूविंग आयरन से. मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एमीटर वोल्टमीटर के जितने भी क्वेश्चन है आपके, मेनली तो रेक्टिफायर से आ सकता है, रेक्टिफायर से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा ये आता है मूविंग आयरन से, और तीसरा ये आता है पीएमएमसी से. और वाटमीटर का जो क्वेश्चन है वो डायनेमोमीटर से आएगा, वाटमीटर का जो क्वेश्चन है वो डायनेमोमीटर से आएगा, या फिर आपने वो जो टू वाटमीटर मेथड पढ़ा है ना, जो आपने टू वाटमीटर मेथड पढ़ा होगा, ब्लॉन्डेंस थ्योरम वाला टू वाटमीटर मेथड जो आपने पढ़ा है, वहां से क्वेश्चन आएगा. फॉर्मूला था √3P1 - P2/P1+P2, जो फॉर्मूला है उधर से क्वेश्चन आएगा.
ठीक है ओके आशुतोष, सीआरओ तो अब यही कंप्लीट हो जाएगा यार, सीआरओ तो अब यही कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ सीआरओ तो अब यहाँ फुल लेंथ सीरीज चल रही है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ना, क्यों टेंशन लेते हो। सीआरओ आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा ना मेजरमेंट में, अब तो फुल कोर्स चल ही रहा है ना, अब तो फुल कोर्स चल ही रहा है ना। ठीक है आशुतोष, चलिए सो राइट डाउन द न्यूमेरिकल्स, राइट डाउन अनदर न्यूमेरिकल गाइस फॉर अ सर्टेन डायनेमोमीटर एमिटर। और आप लोग यार मेरी सिग्नल सिस्टम की क्लास में आ जाए करो अगर आपको नहीं समझ में, अगर आपको और अच्छी तरीके से सिग्नल सिस्टम पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि आपके डाउट और अच्छी तरीके से क्लियर हो, तो सिग्नल सिस्टम की मेरी स्पेशल क्लास होती है दिन में 1 बजे, 1 से 3 सिग्नल सिस्टम की मेरी क्लास होती है दिन में 1 से 3। मैं तो बच्चों को बोलता ही हूँ आने के लिए, तो सिग्नल सिस्टम की जो क्लास है वो दिन में 1 से 3 होती है स्पेशल पर, और ये फ्री क्लास है यार। एक बार मेरी क्लास में बैठोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हारे को, माहौल हो जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। 1 से 3 मेरी क्लास होती है दिन में, ठीक है। अभी उसमें टॉपिक चल रहा है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, यानी डिस्क्रीट टाइम का कॉन्वोल्यूशन वगैरह स्टार्ट होगा आज, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो 1 से 3 क्लास होती है दिन में स्पेशल, और ये पूरा फ्री होता है यार, इसका कोई पैसा नहीं ले रहे हम आपसे। दिस इज फ्री क्लास, दिस इज द फ्री क्लास, ओके। तो यू जस्ट हैव टू फॉलो माय लिंक ऑन अनअकैडमी एंड जस्ट नोटिफाई द लिंक एंड जस्ट कम इनटू द क्लास, दैट्स ऑल। So if you want to come, you can come. Okay? अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हो, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हो। Yes sir, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। Thank you Piyush. Are you attending the class? Are you attending the recorded or are you attending the recorded or live classes? I don't remember because many people are there. Okay. Let's come to the question. Let's come to the question part. Let's come to the question part. For a certain dynamometer emitter, यानी electro dynamometer emitter आपको दे रखा है, mutual inductance M varies with deflection theta and M is given by -6 cos theta + 30° millihenry. It is given in millihenry. Mutual inductance. तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? Mutual inductance and that is given by -6 cos theta + 30° and that is millihenry, that is 10^-3. You have to find the deflecting torque produced by direct current of 50 milliampere corresponding to a deflection of 60°. Okay. So if it is asking if theta is equal to 60° and current is 50 milliampere, then what is the deflecting torque? And the question is of dynamometer emitter. So please tell me the answers fast, guys. What is the deflecting torque? Newton meter mein aata hai. Deflecting torque is in Newton meter. Okay. Find the answer fast. Okay, Piyush, you are watching it recorded. Okay. Kindly share with your WhatsApp group, Piyush. Kindly share the sessions of my special classes in your WhatsApp groups to your juniors also. Thank you so much, Piyush, for okay, thank you. Thank you, Piyush, for joining this. Okay. 15 × 10^-6 aayega. Sankalp, it is 15 × 10^-6 approximately. It is not 15. Just check out the answers, please. It is 15 × 10^-6. Are you getting the answer? Guys, please tell me the answers in the comment section, those who are live. Just you have to solve this, that's all. So just find dm by d theta from here. So -6, differentiation of cos is what? Minus cos is sine. Differentiation of cos is minus sine, minus plus. Sin theta plus 30° and that is in millihenry, that is 10^-3. So you know that dm by d theta you have to calculate at what? Theta equals to 60°. So it will 6 sin 60 plus 30, that is 90 × 10^-3. So sin 90 is what? 1. So it is 6 × 10^-3 and this is henry per degree. This is henry per degree. Is it clear to everybody? Now you just have to find the deflecting torque, and the deflecting torque is given by I square dm by d theta, guys. It is given by I square dm by d theta. Just substitute the value of I, that is 50 milliampere square, and dm by d theta is what? 6 × 10^-3.
If dm by d theta is Henry per degree, then only the deflecting torque is in Newton per meter. So it is 15 into 10 raised to power minus 6 Newton meter, and this is the answer. I think it is clear to everybody now. Yeah, Divya, Rishali, 15 into 10 raised to power minus 6. Good, beta. Good. Nice. What are other students doing? बाकी बच्चे क्या करते हैं यार, बाकी बच्चे जवाब क्यों नहीं देते हैं? मतलब क्या तुम लोग लेटे पढ़ रहे हो क्या? एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या होता था एजुकेटर खड़े होकर पढ़ाता था और बच्चे बैठ के पढ़ते थे, आजकल क्या है एजुकेटर बैठ के पढ़ाता है और जो बच्चे हैं वो लेटे अपने तकिए पे सोते सोते मोबाइल में देखते रहते हैं, तकिए पे लेटे सोते सोते मोबाइल में देखते रहते हैं। तो यार लेटे मत देखो, लेटे मोबाइल पे मत देखो। तो अब क्या करो, लेटे मत देखो, थोड़ा टेबल कुर्सी पे बैठो, लैपटॉप चलाओ और नोट्स बनाओ, हाँ। तो आजकल रात वाले सेशंस में भी क्या होता है, बच्चे क्या कर रहे हैं, 8-9-10 बजे सेशन चल रहा है, टेबल पे तो बैठ नहीं रहे, बोलो टीचर टेबल पे बैठा, अब उल्टा हो गया, अब टीचर टेबल पे बैठ रहे हैं और बच्चे सोते सोते देख रहे हैं। तो कम्फर्ट जोन बच्चों का हो गया है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सद्दाम बोल रहा है, हाँ सर सच में, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर अ करंट ऑफ 36 एम्पियर रिक्वायर्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री। इफ देयर इज अ करंट ऑफ 36 एम्पियर, तो ये बोल रहा है डिफ्लेक्शन कितना है बेटा, 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन है। नाउ डिटरमाइन द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन द मैक्सिमम एंगल इज 360 डिग्री। द सेकंड पार्ट इज फॉर व्हाट करंट डिफ्लेक्शन बिटवीन 180 डिग्री and for what will be the deflection for a current of 30 ampere. So, बहुत easy सा question है, electrodynamometer emitter का question है, तो आपको पता ही है emitter के case में तो क्या होता है, torque की equation आपको पता ही है, जल्दी से मुझे answer बता दो क्या आ रहा है। बहुत आसान सा है यार, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में। अरे वो सुना है ना, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, याद है नहीं? शायरी सुननी है क्या? अगर शायरी सुननी है तो सुना दूंगा, लेकिन तुमको उसके लिए इरशाद और बाबा लिखना पड़ेगा। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, सुना है क्या? सुना है ना, हमसफर ना किसी हम नशीन से मिलेगा, सुना है क्या? शायरी सुननी है तो एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करो, एवरीबॉडी जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन, इरशाद जल्दी से टाइप कर दो यार। अगर शायरियां सुनना चाहते हो तो जल्दी से, यार मोटिवेशन कंटेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग पीपल फील बेटर अबाउट देमसेल्फ, It's about showing how your brand, your message and your good services, your goal, your great education can make them feel better about themselves. So, motivation ke liye bola jata hai ki agar plan A fail ho gaya hai, to plan B chale jao. To main to aapko bolta hu alphabet mein kitne letter hote hain, 26 letter hote hain. Alphabet mein 26 letter hote hain. Iska matlab if plan A fails, remember there are 25 more letters in alphabets. If plan A fails, इरशाद लिख रहे हैं बच्चे, चलो ठीक है। आकांक्षा, निकुंज, सद्दाम, हेमराज, दिव्या, पीयूष, सद्दाम, गगन सिंह। So if plan A fails, remember there are 25 more letters in the alphabets. A journey of 1,000 miles just begin with a single step. Progress is impossible without change, and those who cannot change their mind cannot change anything. So if you cannot do great things, do small things in a great way. मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अगर आप बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर पा रहे तो छोटी-छोटी चीजें करो। छोटी-छोटी चीजें क्या है, 20-20 क्वेश्चन रोज करो, देखो सुनना, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड कैन नॉट चेंज एनीथिंग। आपको अपनी बुद्धि से सोचना है, मनस्थिति में सुधार लाइए, आप अपनी परिस्थिति चेंज करना चाहते हैं। वो थी ना शायरी, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थिति बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली उस दिन परिस्थिति बदल गई। तो इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। छोटी छोटी चीजें कीजिए यार, छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। तो मैंने आपको बोला था ना, हम मंजिलें मिले ना मिले, देखो लोग कोशिश करते हैं यार, गेट का एग्जाम निकालना है। I want everybody to just type in the comment section if you want to learn something from me. अगर शायरी सुनना चाहते हो तो जल्दी से यार कमेंट सेक्शन में टाइप करो, फटाफट एवरीबॉडी।
मुझे इमोजीज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए कमेंट सेक्शन में, तब जाके मैं शायरी बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलता मैं। संकल्प, शिवराम, कार्तिक, दिव्या, राहुल, एवरीबडी प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। ना हम सफर, देखो सुनना, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करना बहुत जरूरी है बेटा, कोशिश कर हल निकलेगा, मैंने पहले भी बोला है। दूसरी, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, ऐसे नहीं कि हवा जिंदगी भर ही चलती रहती, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे भी मंजिल, सुनना पंचलाइन, मिलेगी तुझे भी मंजिल, बस तू जरा कोशिश तो कर। तो कोशिश करना आपके हाथ में, कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही सबको, तो कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। तो वो तो शायरी आपको पता है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, है ना। अर्जुन सा तीर सात तो सही, ये तो आपको पहले भी मैंने सुनाई है, अरे अर्जुन सा तीर सात तो सही, फिर देख मरुस्थल से भी जल निकलेगा, पौधे को पानी दे थोड़ा सींच, फिर देख मरुस्थल से अंकुर निकलेगा, मरुस्थल से अंकुर निकलेगा। और मैंने आपको ये पंचलाइन बताई थी, पहले भी बताई होगी, अभी आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में तो आपको जिंदगी थमी थमी सी लगती है, जिंदगी थमी थमी सी लगती है, जैसे ही आप पास आउट हो जाओगे और थमा थमा सा लगेगा, अगर गेट का एग्जाम नहीं निकला तो और थमा थमा सा निकलेगा, दोस्तों ध्यान से सुनना, और थमा थमा सा लगेगा। तो मैंने आपको बोला था पौधे को पानी दे थोड़ा सींच, फिर देख मरुस्थल से भी अंकुर निकलेगा, हौसले, हौसले को बुलंद कर, कोशिश कर, मेहनत कर, कुछ कर गुजरने की, फिर देख जो थमा थमा सा है कल वो चल निकलेगा। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। बस यार आप क्या जान लोगे बच्चे की, एक बच्चे ने कहा अभी, एक मतलब एक बच्चा था उसका पास आउट हो गया, तो वो बोल रहा था अभी कांच हूं, कांच का मतलब क्या है अभी सुनना, जक्कास, ओके। एक बच्चा था वो बोल रहा था अभी कांच हूं इसलिए चुप रहा हूं, होता है ना कुछ लोग होते हैं जो चुप रहे होते हैं, तो कांच ने कहा, देखो कांच ने किसने अच्छी बात की, उसने कहा अभी कांच हूं इसलिए चुप रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। क्या बोला कांच ने, अभी कांच हूं इसलिए चुप रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा, तो तुमको आईना बनना है यार, बच्चे भी शायरियां लिख रहे हैं यार इसमें तो। अभी कांच हूं इसलिए चुप रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। तो कांच क्या बोलता है, जिस दिन मैं आईना बन गया तो मुझे भी दुनिया देखेगी, तो आपको आईना बनना है यार, आईना बनो, जिस दिन आप आईना बन गया दुनिया आपको देखेगी, बाकी कोई मतलब नहीं है, बाकी कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ रही है सबको, चलो आगे चलें, आगे चलें गाइस। कुछ लोग कहते हैं, देखो एक बार, कुछ लोग कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, कुछ लोग कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन अब सुनना, मेरे को एक बार मम्मी ने कहा, नहीं बेटा यार काले रंग की जैकेट मत पहनो, काले रंग की टी शर्ट मत पहनो, काला मत पहनो। तो मैंने मम्मी को कहा कि यार बाल तो काले ही होते हैं मम्मी, देखो सर के बाल हैं, मैं टी शर्ट भी काली पहन लेता हूं कभी कभार। नहीं, मम्मी ने कहा काला रंग अशुभ होता है, काला रंग अशुभ होता है। मेरी मम्मी स्कूल में प्रिंसिपल है, मेरी मम्मी स्कूल में प्रिंसिपल है, तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ने कहा बेटा कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, तो मैंने मम्मी को कहा, लेकिन स्कूल का वो पहला दिन, ध्यान सुनना, स्कूल का वो पहला दिन, वो पहला ब्लैक बोर्ड पूरी जिंदगी बदल देता है, जिससे पढ़ पढ़ के आप आगे जाते हो। तो जिस स्कूल में आप पढ़ने जाते हो, पहले दिन पढ़ने जाते हो, वो ब्लैक बोर्ड ही होता है, तो काला रंग अशुभ तो नहीं हो सकता। मैंने ये मम्मी को कह दिया, और मेरी मम्मी प्रिंसिपल थी, उस दिन से मेरी मम्मी ने मुझे नहीं बोला कि बेटा काला रंग मत पहन, क्योंकि मेरी मम्मी भी ब्लैक बोर्ड भी पढ़ाती है, और सुबह जाते ही पढ़ाती है, और सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं, तो काला रंग अशुभ तो नहीं हो सकता। मैंने उस दिन पहली बार मम्मी को बोल दिया। बात समझ में आ रही है सबको, चलो एक और सुन लो, एक और सुन लो पंचलाइन। ये बच्चे पढ़ने की बातें कर रहे हैं, उम्मीदों की कश्ती, इसका आंसर निकाल लो फिर बता देता हूं, चलो इसका आंसर निकाल लो नहीं तो बता देता हूं। देखो एक नाव है जो पानी में बह रही है, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिलें दूर हो तो थककर रोया नहीं करते, कि फरवरी में एग्जाम आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं थककर रुक जाऊं यार, तीन चार महीने बच रहे हैं, मेरे से तो नहीं हो रहा, इतना प्रेशर है, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे एजुकेटर, इतना सारा यूट्यूब चैनल, इतना सारा पीडीएफ, कितना लिखना है, कितने क्वेश्चंस, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, नोडिया बिट्स एंड बाइट्स क्या क्या करूं, इतने सारे एजुकेटर, इतने सारे क्वेश्चन है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बच रहा, ऐसा नहीं। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते,
मंजिलें दूर हों तो थककर रोया नहीं करते हैं, रखते हैं दिल में उम्मीद कुछ पाने की, रखते हैं दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप अंडर 500 में रैंक लेके आओगे, और आप लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करो यार, थोड़ा सा अपने आप को पुश करो। लोग कहते हैं कि तो थोड़ा सा पुश करो, जब आपको लगता है ना कि नहीं यार नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और अपने आप को पुश करो, फिर आपको मार्च में लगेगा यार, अगर जब आपका सिलेक्शन मान लो गलती से किसी का नहीं होता है, फिर आपको लगेगा यार मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, थोड़ा और पुश कर लेता, 2-3 घंटा और निकाल लेता, मोबाइल में कम ध्यान देता, थोड़ा सा और पढ़ लेता तो काम हो जाता। बात समझ में आ रही है यार? ये शायरियां कौन लिख रहा है मेरे कॉमेंट सेक्शन में? बच्चे भी शायरियां लिख रहे हैं यार, बताओ और तो क्या चाहिए। ये तो शेरी शायरी, शेरो शायरी का माहौल हो गया यार आज तो, मजा आ गया मुझे। किस किस ने कमेंट किया है मुझे? अच्छा, निर्भय, निकुंज, सद्दाम, शिवम, पीयूष, दिव्या, दिव्याश्री, संकल्प, फोर्स, कार्तिक पटेल, हेमराज, सद्दाम, पीयूष, थैंक यू वाह। ओके, पीयूष बोल रहा है सर गेट निकला तो पक्का मिलना है आपसे, बिल्कुल मिल लो, कभी भी मिल लो, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। चलो, एनर्जी हाई हो गई ना तुम्हारी, चलो तो मेरे सेशन में आ जाए करो, 10-5 मिनट एनर्जी हाई होती रहेगी। आ जाओ, इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर बेटा एमीटर की बात कर रहे हैं। संकल्प बोल रहे हैं लव यू सर, अरे यार अब ये तो गड़बड़ है। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई इज प्रोपोर्शनल टू रूट थीटा। थैंक यू, चलो थैंक यू संकल्प, थैंक यू सो मच। आई इज प्रोपोर्शनल टू रूट थीटा, यानी अगर मुझे I1 I2 निकालना है, आप देखो आपको दे रखा है I1 36 एम्पियर और आपको दे रखा है थीटा 1 यानी 90 डिग्री, ये दे रखा है, पार्ट ए की बात कर रहा हूं। तो अगर आप ऐसे निकालो I2 by I1 तो ऐसा लिख सकते हो क्या, रूट थीटा 2 अपॉन थीटा 1 लिख सकते हो ना, बस हो गया ना काम। अब I2 कितना है पता नहीं, I1 कितना है मालूम है, थीटा 2 360 डिग्री कह रहा है ना मैक्सिमम एंगल, डिवाइड बाय थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, इसको सॉल्व कर लो तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 9, 4, 36, 36, 2, 72 एम्पियर। ये आपका I2 हो गया ऑप्शन नंबर ए का, या 72 इज द राइट आंसर। पीपल आर सेइंग 62.5 डिग्री, व्हाट इज दिस 62.5 डिग्री, 72 एम्पियर, अक्षय वशिष्ठ। ओके चलो नेक्स्ट गाइस, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, करंट बताओ जब डिफ्लेक्शन है 180 डिग्री, करंट बताओ जब डिफ्लेक्शन है 180 डिग्री। तो कैसे बताओगे, करंट बताना जब डिफ्लेक्शन है 180 डिग्री, तो आप इसमें क्या करो, ये भी बहुत आसान सा काम है, मतलब ऐसा कोई बहुत भारी भरकम काम थोड़ी है। तो आप क्या लिखो, यहां पे लिख लो, इसको लिख लो I3 by I1, I1 तो सेम ही है, और इसको लिख लो रूट थीटा 3 अपॉन थीटा 1, तो I1 और थीटा 1 तो आपको पता है, I3 निकाल लो, I1 आपको पता है 36, डिफ्लेक्शन आपको दे रहा है 180 और ऑलरेडी डिफ्लेक्शन कितना 90, तो 9 2 18 रूट 2 इंटू 36 कर लो, ये हो गया रूट 2, तो I3 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 50.9 एम्पियर। ये आपका बी पार्ट हुआ या नहीं हुआ, ये तो कैलकुलेट करना है। और सी पार्ट में वो क्या बोल रहा है, सी पार्ट में बोल रहा है डिफ्लेक्शन निकालो जब करंट है 30 एम्पियर, डिफ्लेक्शन निकाल लो जब करंट है 30 एम्पियर। तो आप ऐसा लिख लो I4 by I1 is equals to theta 4 by theta 1 and that is root. So you can write it like this, I4 तो आपको पता है क्योंकि करंट उसने बता दिया 30 एम्पियर, डिवाइड बाय I1 is 36, you take a square of this and take theta 4 divided by theta 1 like this. थीटा 4 बाय थीटा 1 एंड दैट इज गिवन बाय 90 डिग्री, सो थीटा 4 इज गिवन बाय 62.5 डिग्रीज। ओके, 62.5 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज 64.5 इज द राइट आंसर। I3 आपका 50.9 हो गया एंड I2 is 72 एम्पियर। चलिए,
तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो मैं आपको कुछ एरर की बात बता देता हूँ, यहाँ पे एरर की बात बता देता हूँ। देखो यार दो तीन बातें हैं, कुछ पीएमएमसी के, ठीक है, क्योंकि देखो तो कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल करा देता हूं पीएमएमसी के। देखो जस्ट अ सेकेंड, चलो। डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, तो देखो कुछ एरर है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल एरर, और उसको बोलते हैं दूसरा जो एरर है वो है आपका फ्रीक्वेंसी एरर। वन इज फ्रिक्शनल एरर, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी एरर। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो एक बार देख लो, लेट्स कम गाइस, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो यार अपने पास 8 मिनट बच रहे हैं, तो मैं आपको कुछ पीएमएमसी के न्यूमेरिकल करा दूं, आप बोलो तो। जो पीएमएमसी के अपने न्यूमेरिकल्स बच गए थे पिछली बार, वो मैं आपको करा देता हूं आज, उसके बाद एरर्स इन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में आपको कल करा दूंगा, ठीक है, ओके। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में दो टाइप के एरर होते हैं, फ्रिक्शनल एरर and we have some numericals also। तो मैं आपको आज PMMC instrument के बारे में बता देता हूँ। PMMC instrument में कुछ numerical हमारे बच रहे थे, वो हम लोग करा देते हैं। एक बार देखो, ये आपके PMMC के कुछ numericals थे जो उस बार छूट गए थे session में। तो कल कुछ बच्चे बोल भी रहे थे मुझे comments में type करके कि सर वो PMMC के जो numericals है वो करा दीजिए। PMMC के जो numericals जो पिछले session में बच रहे थे वो मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि numerical बच जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इलेक्ट्रिकल के कुछ numericals है आप देख लो, इलेक्ट्रिकल के कुछ numericals है आप लोग देख लो PMMC के। चलो आ जाओ फटाफट से, ओके 10 मिनट में न्यूमेरिकल कर लेते, आ जाओ। अ डीसी वोल्ट मीटर हैज अ सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट व्हेन इट मेजर्स हाफ ऑफ फुल स्केल इन 100 वोल्ट। अ डीसी वोल्ट मीटर हैज अ सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट व्हेन इट मेजर्स हाफ ऑफ फुल स्केल इन 100 वोल्ट रेंज। द करंट थ्रू द वोल्ट मीटर विल बी, तो अगर ये बोल रहा है हाफ स्केल के लिए मेजर करूंगा तो मुझे बताओ एक मीटर है, इस मीटर की कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी है, दैट इज 1000 ओम पर वोल्ट मान लीजिए, तो उसने इसका मतलब कुछ ना कुछ फुल स्केल करंट भी तो होगी, कुछ ना कुछ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी तो होगी, और रेंज क्या है फुल स्केल की 100 वोल्ट। तो अगर मुझे हाफ रेंज के लिए मेजर करना है, हाफ रेंज का मतलब क्या है, अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यहां से निकालो तो 1/ सेंसिटिविटी हो जाएगा, सेंसिटिविटी इज गिवन बाय 1/ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होगा बेटा, 1/ सेंसिटिविटी, यानी आप लिखोगे 1000 ओम पर वोल्ट। तो 1000 ओम पर वोल्ट का मतलब क्या है, 1 मिली एम्पियर ऊपर चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि 1 मिली एम्पियर करंट इस मीटर में से बह रहा है, तभी तो सेंसिटिविटी इतनी है। तो हाफ स्केल में क्या हो जाएगा, फुल स्केल में 1 मिली एम्पियर है, हाफ स्केल का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय 2 यानी 0.5 मिली एम्पियर। तो ये तो फुल स्केल के लिए है, ये किसके लिए है, जब फुल स्केल हो, और हाफ स्केल का मतलब करंट आधी हो जाएगी, हाफ स्केल का मतलब हो गया करंट क्या हो जाएगी, IFSD डिवाइड बाय 2 यानी 1 मिली एम्पीयर डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना हो गया बेटा, 0.5 मिली एम्पीयर आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस ये बोल रहा है हाफ स्केल के लिए करंट बता दो, हाफ स्केल के लिए करंट बता दो, इतना ही बोला है, ठीक है। 0.5 मिली एम्पीयर इज द राइट आंसर व्हेन इट मेजर्स हाफ ऑफ फुल स्केल, The current through the voltmeter is 0.5 milliampere. Okay? Okay, let's come to the next question. One more numerical is there. That is also gate electrical. Students. Yeah. Aa jao, dekho. A PMMC voltmeter.
आप पीएमएमसी वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स V1 इक्वल टू 2 वोल्ट एंड एसी वोल्टेज सोर्स V2t इक्वल टू 3 साइन 40 वोल्ट। आपको डीसी और एसी दोनों दे रखा है और आपसे बोला है कि मीटर क्या रीड करेगा, मीटर क्या रीड करेगा, मतलब एक डीसी और एसी सोर्स दोनों दे रखे हैं। एसी आपको दे रखा है Vm sin ओमेगा t दैट इज 3 sin 40 और आपको डीसी दे रखा है 2 वोल्ट, तो उसने बोला मीटर क्या रीड करेगा। तो आपको पता ही है जो पीएमएमसी है वो क्या रीड करता है बेटा, पीएमएमसी रीड्स ओनली डीसी वैल्यू, रीड्स एवरेज वैल्यू या क्या रीड करता है डीसी वैल्यू, एक ही बात है। तो एसी से तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो पीएमएमसी रीड क्या करेगा, वी वोल्ट, तो पीएमएमसी की रीडिंग क्या हो जाएगी, तो पीएमएमसी वोल्टमीटर विल रीड ओनली डीसी वैल्यू दैट इज 2 वोल्ट, दैट इज अ डीसी वैल्यू इट विल रीड। अगर यही मूविंग आयरन या कोई दूसरा होता जो आरएमएस वैल्यू रीड करता तो अपन यहाँ पे आरएमएस निकाल लेते, अगर यही मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता तो हम आरएमएस निकाल लेते। आरएमएस क्या होता है याद है, अंडर रूट डीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, तो मूविंग आयरन तो है नहीं है। अगर मूविंग आयरन होता तो मैं आरएमएस निकाल लेता, अगर मूविंग आयरन होता, अगर ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता, मूविंग आयरन का मतलब है जो आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, तो हम क्या कर लेते एसी प्लस डीसी करके आंसर निकाल लेते। ठीक है, चलो एक और न्यूमेरिकल है, राइट डाउन वन मोर न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल है, देखो ये न्यूमेरिकल है आपका 2014 का न्यूमेरिकल है, 2014 का न्यूमेरिकल है, दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ 2014 टू मार्क्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये 2014 का न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, 2014 का न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। क्वेश्चन क्या है जल्दी से पढ़ो और आंसर निकालने की कोशिश करो। टू एमिटर्स X एंड Y, देर आर टू एमिटर्स X एंड Y, ओके, मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 1.2 ओम एंड 1.5 ओम एंड दे गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 150 मिली एम्पियर एंड 250 मिली एम्पियर, यानी मीटर X जो है उसका रेजिस्टेंस है 1.2 ओम और उस मीटर का करंट है 150 मिली एम्पियर, मीटर जो Y है उसका रेजिस्टेंस है 1.5 ओम और मीटर रीडिंग कितनी दे रखा है बेटा 250 मिली एम्पियर, द रेंज हैव टू बी एक्सटेंडेड बाय कनेक्टिंग शंट so as to give full scale deflection with 50 ampere. The emitters along with the shunts are connected in parallel. The emitters along with the shunt, अगर मुझे 15 ampere current extend करना है, अगर मुझे 15 ampere current extend करना है, कौन से current को extend करना है? 150 milliampere को extend करना है 15 ampere से, और 250 milliampere को भी extend करना है 15 ampere से। तो अगर emitter में आपको current extend करना है, तो shunt लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो पहले तो दो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग निकालो, उसके बाद वो बोल रहा है ये दोनों एमीटर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो एक्स वाले मीटर में क्या करंट जाएगा, व्हाट इज द करंट इन द मीटर एक्स, व्हाट इज द करंट इन द मीटर एक्स, व्हाट इज द करंट इन मीटर एक्स, ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू गाइस कैन डू इट इजीली, लिसन टू मी केयरफुली, देयर इज वन मीटर, there are two meters, एक मीटर x है एक मीटर y है, ठीक है ना, तो यहां पे क्या बोल रहा है ये जो मीटर है इसको मैंने बोली RMX और इस RMX की वैल्यू कितनी है बेटा 1.2 ओम और इस मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना दे रखा है 150 मिली एम्पियर। ऐसे यहां एक और मीटर है जिसको मैंने बोला मीटर वाई और इस मीटर वाई का रेजिस्टेंस दे रखा है 1.5 ओम, इस मीटर के लिए जो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखी है बेटा वो दे रखी है 250 मिली एम्पियर और इस रेंज को मुझे एक्सटेंड करना है 15 एम्पियर से, इस रेंज को भी एक्सटेंड करना है 15 एम्पियर से, यही तो बोल रहा है वो,
रेंज हैज टू बी एक्सटेंडेड टू 15 एम्पियर. तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस कितना लगाएं, पहले तो ये पूछ रहा है वो. तो ये हो गया आर एस एच एक्स के लिए. यहाँ पे एक और शंट रेजिस्टेंस लगाना है, इसका नाम हो गया आर एस एच वाई. ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि ये दोनों मीटर पैरेलल में लग रहे हैं, तो करंट जो है एक्स वाले मीटर में कितना जाएगा. अगर आप करना चाहो तो अभी कर लो, नहीं तो उसको होमवर्क के लिए ले लो, कल करके लेके आ जाना. अगर आप अभी कर सकते हो तो अभी इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो कल इसको होमवर्क के लिए करके आप लेके आ जाना. ठीक है ना, चलो आप कोशिश करो करने की. मैं जब तक पिच क्रिएट कर देता हूँ, पिच क्रिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो यार देखो, अभी तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया अनअकैडमी का, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया अनअकैडमी का, तो कोड लगा दो प्रमी10. प्रमी10 इज द कोड. कोड लगा दो प्रमी10. ये आपकी चाबी है गेट के एग्जाम की. तो प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 22,500 रुपए में, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 720. आइकॉनिक आपको मिल रहा है 40,500 में. और आपको पता ही है फीस हाइक होने वाला है. अरे आपको पता ही है कि फीस हाइक होने वाला है, और फीस हाइक का मतलब है 30-40% फीस हाइक होगा 20 अक्टूबर को. 20 अक्टूबर को आपका फीस हाइक होने वाला है. तो जल्दी से प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो. और अगर आइकॉनिक चाहते हो, इफ यू वांट एक्सपर्ट गाइडलाइंस फ्रॉम योर गेट मेंटर, इफ यू वांट स्टडी प्लान अरेंज बाय द एजुकेटर, इफ यू वांट की पर्सनल कोच गाइडेंस मिले, अगर आप चाहते हो कि एजुकेटर आपके ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करे, अगर आप चाहते हो कि एजुकेटर आपकी लाइव क्लासेस में आपको सारा डाउट क्लियर करके दे अलग से टाइम निकाल के, तो उसके लिए आपको प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा. उसमें भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. तो आइकॉनिक में क्या होगा कि हर बच्चे को एक एजुकेटर मिल जाएगा कोई डेफिनेट टाइम के लिए. उससे आप बात कर सकते हो, अपनी तकलीफ बता सकते हो, पढ़ना कैसे ये पूछ सकते हो, डाउट सॉल्व करवा सकते हो. ठीक है, दूसरा 12 महीने का प्लान सबसे पॉपुलर प्लान है. कोड लेकिन आपको लगाना पड़ेगा प्रमी10. 12 महीने का प्लान सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है, लेकिन आपको कोड लगाना पड़ेगा प्रमी10. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्लान ऑन अनअकैडमी नाउ. और इसका फीस आपको पता है बेटा 22,500. ठीक है, 22,500 आपकी फीस है. 22,500 फॉर दिस अमाउंट. इसके लिए 40,500 है. तो फ्री इनिशिएटिव अनअकैडमी की टीम आपके लिए ले ही रही है यूट्यूब और स्पेशल पर. लेकिन अगर आप चाहें कि आपका डिसिप्लिन वे में कोर्स चले, फटाफट से आप कोर्स कंप्लीट कर लें, तो जल्दी से प्रमी10 कोड लगा दो, 12 महीने का प्लान ले लो. नहीं तो 3 मंथ का प्लान भी ले सकते हो. 3 प्लान अनअकैडमी का प्लान ले लो, 11,500 रुपए में आ रहा बेटा. अगर आप प्लान लेना चाहते हैं तो 11,500 का प्लान है. 11,500 का प्लान है. डिटेलिंग आपको अनअकैडमी की वेबसाइट या ऐप पे मिल जाएगी. तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो बेटा. अनअकैडमी ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लो और वहां पे जाके प्रमीत लवाज सर्च कर लो. जब मुझे सर्च करो तो मुझे फॉलो कर लो, और एक बार अगर मुझे फॉलो कर लोगे तो मुझे मैसेज भी आप कर सकते हो. अनअकैडमी की प्रोफाइल पे आप मुझे मैसेज भी कॉपी कर सकते हो. ठीक है, चलो तो लेट्स कम टू द ईएमआई पार्ट. अगर आप चाहो तो मंथली इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हो, लेकिन आपको कोड लगाना पड़ेगा प्रमी10. इफ यू वॉन्ट 10% ऑफ, देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड प्रमी10. सो यू कैन यूज द डेबिट कार्ड, यू कैन यूज एटीएम कार्ड, you can use credit card for the EMI. अगर ATM card use करना है तो सिर्फ HDFC का use करना पड़ेगा, तभी आप EMI option में जा सकते हो. और credit card तो आप SBI, ICICI, HDFC, Bajaj Finserv, Axis Bank, Kotak Mahindra किसी का भी use कर सकते हो. तो ये EMI options है बेटा आपके. 6 months की EMI 3,750 per month. अगर 9 month की आप EMI ले रहे हो तो 2,500 रुपए महीना आपको देना है. और 12 month की EMI का मतलब है 1,875 रुपए आपको हर महीने देना है. ठीक है ना, चलो. तो यार आपको पता है ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा. क्रिटरेस गेट डबली, दिस इज द लिंक जहां पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा मेरे मेजरमेंट का. तो इस लिंक को जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस लिंक को फॉलो करो टेलीग्राम पे. अभी तक 17,000 अप्रोक्सीमेटली मेंबर्स हैं इस ग्रुप पर. तो क्रिटरेस गेट डबली चैनल को सब्सक्राइब करो, यहां पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा मेजरमेंट का. ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में ले लो. उस क्वेश्चन को होमवर्क में ले लो, कल आप लोग उसको करके ले आना. फिर मैं आपको कल 2015-16-17 में जो न्यूमेरिकल आए डायनामोमीटर के वो भी करा दूंगा. और कल हम लोग डायनामोमीटर ही पढ़ेंगे. कल हम लोग डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखेंगे कि एरर क्या होता है डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर इन डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है,
समझ में आ रहा है, 2 ईयर का प्लान है ना बेटा, 24 मंथ्स का प्लान है ना, 24 मंथ्स का प्लान होता है, ये डेढ़ साल का कोई प्लान नहीं होता, 24 मंथ्स का प्लान होता है, ठीक है। चलो, और कल हम लोग पढ़ेंगे डायनेमोमीटर पार्ट 3 और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और एरर की बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो संकल अगर आपने आंसर निकाल लिया है, अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। तो कल हम इसको और सॉल्व करेंगे, अभी मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, ऑलरेडी 12:05 हो गया, अभी मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइज, दिस इज प्रमीत लवर साइनिंग ऑफ राइट हियर राइट नाउ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद गाइज, इट यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, वी विल मीट टुमारो एट 11 AM इन द मॉर्निंग, और कल 11 बजे PYQ सीरीज भी है, कल 11 बजे रात को PYQ सीरीज